हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मिसेस प्रिया सिंह एंड स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है, हमने लास्ट टाइम क्लास 10th में फोटोसिंथेसिस डिस्कस किया था, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था। अब हम आज की क्लास में जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है, उसकी डेफिनेशन देखी थी, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा देखी थी, और फिर हमने ये डिस्कस किया था कि वो कौन कौन से रॉ मटेरियल्स होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में, यानी प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में रिक्वायर्ड होते हैं। तो वो जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो रॉ मटेरियल्स थे, अब उसको हम डिटेल में थोड़ा डिस्कस करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, रॉ मटेरियल्स के बारे में देख लेते हैं। रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो पहला था दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। बेटा जी, फोटोसिंथेसिस में आपने इक्वेशन पढ़ा था, क्या था फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन? 6CO2 प्लस 12H2O एरो सनलाइट क्लोरोफिल प्रोडक्ट जो था वो C6H12O6 प्लस 6O2। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है, साथ ही साथ जो प्रोडक्ट होता है वो आपका क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है। कार्बोहाइड्रेट को आप ग्लूकोज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि रॉ मटेरियल्स, यहाँ पे बात कर रही हूँ तो रॉ मटेरियल्स का मतलब क्या होता है? इनग्रीडियंट्स जो आपको खाना बनाने के लिए चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स होते हैं उनको खाना बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होता है उनको हम रॉ मटेरियल्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है एंड वाटर है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मैंने आपको बताया था जनरली हमें कहाँ से मिलता है? एटमोस्फेयर से मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहाँ से मिलता है? एटमोस्फेयर यानी वातावरण से मिलता है। तो वातावरण में जो भी CO2 होता है उसे प्लांट्स जो होता है उसे लेता है। कैसे लेता है? विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रक्चर, जो टाइनी पोर्स होते हैं, कहाँ होते हैं? ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, स्टोमेटा को हिंदी में कहते हैं रंध्र। अब ये रंध्र जो होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, वो लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, और जो मेन फंक्शन होता है स्टोमेटा का, रंध्र का, वो होता है गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज हिंदी में कहेंगे इसको गैसों का विनिमय, गैसों का विनिमय। तो गैसों का जो विनिमय होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है प्लांट्स में, चाहे वो रेस्पिरेशन के लिए हो, श्वसन के लिए हो, चाहे वो फोटोसिंथेसिस के लिए हो यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए हो, वो दोनों चीजें कहाँ से होती है? लीफ सरफेस के ऊपर प्रेजेंट टाइनी पोर्स के जरिए होती है, छोटे छोटे छेद के जरिए होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टोमेटा यानी रंध्र। स्टोमेटा का मेन फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी गैसों के आवगमन में ये क्या करता है? मदद करता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से अंदर जा रहा है, ऑक्सीजन अंदर से बाहर जा रहा है, या वाइस वर्सा हो रहा है, दोनों में कौन हेल्प करेगा? स्टोमेटा करेगा। फिर हमने देखा था कि एक्चुअल में स्टोमेटा जो है वो दिखता कैसे है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं स्टोमेटा का। तो स्टोमेटा जो होता है इट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। यहाँ पे बोला गया है स्टोमेटा जो होता है वो बीन शेप्ड सेल्स होते हैं, कुछ इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे आप बता सकते हैं, इसको देख लीजिए, इनको हम लोग कहते हैं गार्ड सेल्स। क्या कहते हैं? ये जो दो आपको बीन शेप सेल्स दिख रहे हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं? गार्ड सेल्स। इन गार्ड सेल्स के चारों तरफ, हिंदी में गार्ड सेल्स को रक्षक कोशिकाएं कहेंगी, जो रक्षा करती हैं। इन गार्ड सेल्स के चारों तरफ सब्सिडियरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हिंदी में सहायक कोशिका भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब्सिडियरी सेल्स जो होते हैं वो गार्ड सेल्स के इर्द गिर्द यानी आसपास पाए जाते हैं। गार्ड सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं?
क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये है स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। अभी मैं इनको नेमिंग कर देती हूँ। इसको हमने कहा गार्ड सेल्स, रक्षक कोशिका, इनको हमने कहा सब्सिड्यूरी सेल्स, सहायक कोशिकाएं, ये जो होते हैं इनको हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, पर्णहरी हिंदी में कहेंगे इसको। और आप जो बीच में ये स्पेस देख रहे हो, खुला सा पोर्शन देख रहे हो, इसको हम लोग कहते हैं स्टोमेटल एपर्चर, हिंदी में कहेंगे रंध्र छिद्र। ठीक है, तो जो गैसियस एक्सचेंज होता है स्टोमेटा में, रंध्रों में जो भी गैसों का विनिमय होता है वो इस स्टोमेटल एपर्चर के जरिए होता है। अब इसमें भी कंडीशन होती है, जो भी स्टोमेटा है जब गैसों का विनिमय होता है वो किस आधार पे होता है, कि स्टोमेटा बंद है या क्लोज है। ठीक है ना, सॉरी क्लोज है या फिर ओपन है, बंद है या फिर खुला है। अगर स्टोमेटा बंद होगा तो कोई एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा, वहां पे किसी प्रकार का गैसों का विनिमय नहीं होगा। लेकिन अगर स्टोमेटा ओपन होगा तो वहां पे गैसों का आदान प्रदान होता है। अब स्टोमेटा के खुलने या ना खुलने भी, खुलना या ना खुलना भी कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है स्टोमेटा की टर्जिडिटी पे, स्फीति पे। ठीक है ना, अगर स्टोमेटा जो है वो टर्जिड कंडीशन में होगा तो वो ओपन होगा, अगर वो टर्जिड कंडीशन में नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब इसके लिए जो सिचुएशन चाहिए, जो भी कंडीशन चाहिए, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कब कोई स्टोमेटा ओपन होता है और कब कोई स्टोमेटा जो होता है वो क्लोज होता है। अब आप जैसे स्टोमेटा का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये क्लोज पोजिशन में है। ठीक है, तो क्लोज पोजिशन में कुछ इस प्रकार से होगा, ये क्लोज पोजीशन में स्टोमेटा कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। अब एक्चुअल में होता क्या है कि इसके आसपास की जो सब्सिड्यूरी सेल्स होती है वहां से जो वाटर होता है यानी पानी, जल जो होता है वो गार्ड सेल्स में एंटर करना स्टार्ट कर देते हैं। जब आसपास के सेल्स से वाटर जो होता है गार्ड सेल्स में एंटर करना शुरू करते हैं तो गार्ड सेल्स के अंदर पानी जो है वो भरता जाता है और वो जो है धीरे धीरे स्वेल करना शुरू कर देता है। तो सपोज दिस इज स्टोमेटा, अब इसके अंदर पानी जाएगा, गार्ड सेल्स है तो इसके अंदर पानी जाएगा तो धीरे धीरे ये फूलना शुरू करेगा। पानी भरने से जब ये फूलेगा तो आप ये देखेंगे कि ये फूलेगा तो ये टर्जिड कंडीशन होगा, यानी धीरे धीरे फूलने की वजह से ये सख्त होता जाएगा। आप देखते हो जब बलून फूलता है तो उसका साइज बढ़ता जाता है, तो उसी प्रकार से स्टोमेटा भी जो है पानी के भरने से ये क्या होगा, धीरे धीरे इसकी टर्जिडिटी बढ़ती जाएगी, स्थिति बढ़ती जाएगी और ये कुछ इस शेप में आपको दिखाई देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये जो स्टेज हुआ है यहाँ पे आपने देखा कि टर्जिड होने के वजह से गार्ड सेल्स टर्जिड हो चुके हैं क्योंकि वाटर पूरी तरीके से उसमें एंटर कर चुका है और इस टर्जिड कंडीशन में स्टोमेटल एपर्चर आपको दिखाई देने लगा है। ये जो रंध्र छिद्र होते हैं वो खुल चुके हैं। अब जब रंध्र छिद्र खुलता है, स्टोमेटल एपर्चर ओपन होता है तो गैसों का विनिमय यानी गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो शुरू हो जाता है। बाहर से CO2 जो है वो स्टोमेटा के अंदर जाना स्टार्ट कर देगा और अंदर जो भी ऑक्सीजन अवेलेबल है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, अब बोला गया है कि गैसेस एक्सचेंज होता कैसे, आपने टर्म पढ़ा होगा डिफ्यूजन, आपने टर्म क्या पढ़ा होगा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। तो विसरण विधि क्या होती है बेटा, जो भी यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा दैट इज बेस्ड ऑन डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस या आप कह सकते हो मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन।
किसी भी गैस का गमन उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। यानी डिफ्यूजन का मतलब होता है जब कोई गैस, जब कोई पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन मूव करती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। यहाँ पे भी कुछ वैसा ही होगा, भाई बाहर ऑक्सीजन जो है वो कम है, कंसेंट्रेशन कम है, इसके आसपास के जो बाहर का एरिया वहां पे ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन क्या है, कम है, लेकिन CO2 की कंसेंट्रेशन ज्यादा है। और CO2 जो है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए, तो CO2 जो है वो यहाँ कंसेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से वो कहाँ एंटर करेगा, अंदर, क्योंकि अंदर CO2 की कंसेंट्रेशन क्या है, कम है। अंदर ऑक्सीजन जो बना है, जो पहले जो फोटोसिंथेसिस हुआ था उसकी वजह से वहां पे ऑक्सीजन अवेलेबल है, जिसकी कंसेंट्रेशन अंदर ज्यादा है वो अंदर से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन डिफ्यूजन की वजह से यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होगा। अब ये था ओपनिंग का स्टेट। ओपनिंग जैसे बताया कि स्टोमेटा कब खुलता है, जब आसपास के सेल से वाटर जो है गार्ड सेल्स में एंटर करते हैं, रक्षक कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं, तो गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी बढ़ती जाती है और स्वेल होने की वजह से, फूलने की वजह से वो उसका जो स्टोमेटल अपर्चर है वो ओपन हो जाता है और गैसेस एक्सचेंज होने लगता है। अब ये चीज कब नहीं होगी, जैसे फोटोसिंथेसिस हमेशा दिन के टाइम, यानी जब लाइट अवेलेबल होता है तो ज्यादा होता है, जब लाइट धीरे धीरे कम होने लगेगा तो स्टोमेटा जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब क्लोज के टाइम पे क्या होता है कि इस गार्ड सेल्स में जो वाटर था वो वापस से निकलना शुरू कर जाएंगे, यानी एक तरह से ये सब्सिड्यूरी सेल्स में वापस चले जाएंगे। जब ये सब्सिड्यूरी सेल्स में वापस जाएंगे तो इसकी टर्जिडिटी कम हो जाती है, स्फीति कम हो जाती है और ये फ्लैसिड कंडीशन में आ जाता है। जब स्टोमेटा फ्लैसिड कंडीशन में आ जाएगा तो इसका जो एपर्चर है वो क्या हो जाएगा, वापस से क्लोज हो जाएगा। तो वापस से क्लोज होने की वजह से यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज जो था वो रुक जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टोमेटा कब ओपन होता है और कब क्लोज होता है। तो ये था CO2। CO2 जैसे मैंने बता दिया आपको एटमॉस्फेयर से मिलता है, विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा ये प्लांट्स के अंदर, लीव्स के अंदर क्या करता है, एंट्री लेता है और उसके बाद जाके ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। जो हमारा सेकेंड है रिक्वायरमेंट, सेकेंड रॉ मटेरियल की जो हम बात करते हैं वो है H2O। सेकेंड जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, H2O। अब H2O की बात कर लें तो H2O को हिंदी में कहते हैं जल, इंग्लिश में वाटर। H2O जो होता है ये आपको कहाँ से मिलता है, सॉयल से मिलता है। सॉयल में ये अवेलेबल होता है। अब सॉयल में जो भी वाटर अवेलेबल होता है वो प्लांट्स के रूट्स के जरिए, रूट्स यानी जड़ों के जरिए क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है एक्टिवली और पैसिवली, ठीक है ना। तो यहाँ पे रूट्स की एब्जॉर्प्शन होती है, जनरली जो एब्जॉर्प्शन होती है वो पैसिव एब्जॉर्प्शन होती है, बहुत बहुत से केस में एक्टिव एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो यहाँ पे एक्टिव और पैसिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बस इतना आप जान लीजिए कि जो वाटर होता है वो हमें सॉइल से मिलता है, वाटर के साथ साथ कुछ मिनरल एलिमेंट्स भी जो होते हैं, मिनरल्स एलिमेंट भी जो होते हैं वो वाटर के साथ क्या कर लिए जाते हैं, रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। अब उसके बाद जो दो आपका रॉ मटेरियल था, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और वाटर हो गया, ये आपको कहाँ से मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से मिल गया और वाटर जो है आपको सॉइल से मिल गया, ठीक है ना। तो ये दोनों ही चीजें जो है कहाँ पहुंच जाती है, लीव्स में पहुंच जाती है, जहां पे फोटोसिंथेसिस का काम किया जाता है और फूड की प्रिपरेशन होती है। नेक्स्ट जो रॉ मटेरियल है दैट इज, तीसरी बात जो बोली गई है वो है सनलाइट। अब आपको सनलाइट चाहिए तो सनलाइट का सोर्स जो होता है ऑब्वियसली बात है सन है, ठीक है ना। सन से आपको सनलाइट जो है वो मिलती है। इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में जो आपको मदद करता है वो है आपका फोर्थ रॉ मटेरियल दैट इज क्लोरोफिल, ठीक है। अब क्लोरोफिल क्या करता है, हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग लाइट, ठीक है। ये लाइट जो होता है सन से निकलने वाली लाइट को मदद करता है एब्जॉर्ब करने में, तो ही सनलाइट जो होती है वो लीफ तक पहुंचती है और वो फोटोसिंथेसिस में अपना कंट्रीब्यूशन देती है। तो ये चार रॉ मटेरियल्स थे जो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं। चौथी जो बात मैंने की क्लोरोफिल की, तो क्लोरोफिल क्या होता है आपको पता होना चाहिए। क्लोरोफिल जो होता है एक प्रकार का ग्रीन पिगमेंट होता है, क्या होता है, एक प्रकार का ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में,
नाउ क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है भाई? क्लोरोप्लास्ट जो होता है इट इज प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल्स ऑफ लीफ, मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स, ठीक है ना। लीव्स के अंदर, पत्तियों के अंदर कुछ मेसोफिल सेल्स पाए जाते हैं, उन मेसोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। वही क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? ग्रीन पिगमेंट जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल जो होता है इसका मेन दो काम होता है। पहला काम तो आपने जान लिया कि ये क्लोरोफिल जो होता है सन की एनर्जी, सन लाइट को एब्जॉर्ब करने में क्या करता है? हेल्प करता है, उसे केमिकल एनर्जी में क्या करता है? चेंज करता है। और सेकेंड जो है ये ग्रीन पिगमेंट है, यानी ये लीव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है। तो मेन दो फंक्शन है क्लोरोफिल के। सो दिस इज द रॉ मटेरियल यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। अब हम बात करते हैं कि रॉ मटेरियल्स तो आपने पढ़ लिया, अब इसके बाद जो मेन चीज है दैट इज प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी ग्लूकोज का बनना, ठीक है। तो ग्लूकोज कैसे बनता है वो हम देख लेते हैं। मेन जो स्टेप्स है फोटोसिंथेसिस में जो इन्वॉल्व होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला है मेन इवेंट्स की बात कर लेते हैं। जो मेन इवेंट्स है फोटोसिंथेसिस में, पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, ठीक है। सबसे पहला काम तो यही हो गया कि क्लोरोफिल ने सनलाइट को क्या किया? एब्जॉर्ब किया, और उसे किस में चेंज किया? केमिकल एनर्जी में। तो सेकंड जो स्टेप्स आएगा वो है कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी। जो लाइट एनर्जी आ रही है सन से, उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है? इनटू केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में। तो लाइट एनर्जी को किस में चेंज किया गया? केमिकल एनर्जी में। और यही केमिकल एनर्जी क्या करता है? वाटर को स्प्लिट करता है। तो सेकेंड इवेंट यही होगा कि कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ H2O इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वाटर को क्या कर दिया जाता है? स्प्लिट कर दिया जाता है, यानी तोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। तीसरी जो मेन इवेंट आ जाती है दैट इज रिडक्शन कह सकते हो, ठीक है, रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। तीसरा मेन इवेंट यही बोला गया है कि लास्ट में ये किया जाता है कि यहाँ पे जो वाटर स्प्लिट हुआ है, हाइड्रोजन स्प्लिट हुआ है और ऑक्सीजन स्प्लिट है, तो ऑक्सीजन का एज अ बाई प्रोडक्ट लिबरेट हो जाएगा। यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा उसका इस्तेमाल किया जाएगा एनर्जी प्रोड्यूस करने में, और उस एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज में चेंज करने के लिए। अब यहाँ पे ये मेन स्टेप्स था जो फोटोसिंथेसिस में अकर होता है, ठीक है ना। पहला था एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, दूसरा था कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ H2O इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और तीसरा था रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। अब बोला गया कि कार्बोहाइड्रेट जो बनता है, ठीक है ना, यानी आप देखा जाए तो इस पूरे इवेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, यानी फोटोसिंथेसिस में मेन दो आप कह सकते हो रिएक्शंस होते हैं जिसमें ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। वो दो रिएक्शंस होता है, पहला होता है लाइट रिएक्शन जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकाश अभिक्रिया। हिंदी में हम कहेंगे इसको प्रकाश अभिक्रिया। और दूसरा जो होता है वो होता है डार्क रिएक्शन, इसको हम लोग बोलेंगे अप्रकाश अभिक्रिया। अब देखिए बेटा, इन दोनों में होता क्या है? लाइट रिएक्शन, लाइट से ही पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है यहाँ पे लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। डार्क रिएक्शन, यहाँ पे लाइट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो अब जैसे आपने, मैंने बताया कि ये सारी जो चीजें हैं, सारी प्रक्रियाएं जो है वो कहाँ चल रही है? लीव्स चल रही है। लीव्स के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, उसमें ये सारा प्रोसेस अक्कर हो रहा है। तो सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। इसमें बहुत सारे आपके ग्रैनम्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रैनम जो है वो एक दूसरे से अटैच होते हैं। ये जो आपको कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं हम थैलाकॉइड कहते हैं, सिंगल स्ट्रक्चर को थैलाकॉइड कहते हैं। और जब यही थैलाकॉइड एक पूरा एक लेयर बनाते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? ग्रेना। ये जो है इसको हम लोग स्ट्रोमा लैमेली कहेंगे।
जो एक ग्रैना को दूसरे ग्रैना से क्या करता है, जोड़ता है। एक सिंगल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, थैलाकोइड कहते हैं। इसके अलावा ये जो इसका क्लोरोप्लास्ट का जो साइटोप्लाज्म होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा, ठीक है ना। अब स्ट्रोमा में बहुत सारे और भी रिजर्व फूड मटेरियल्स भी प्रेजेंट होते हैं, फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है। तो फिलहाल ये नॉर्मल सा स्ट्रक्चर मैंने आपके लिए बनाया ये समझाने के लिए कि राइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन होता कहाँ पे। तो जैसे मैंने बताया कि फोटोसिंथेसिस लीव्स के अंदर हो रही है, लीव्स में क्या पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं क्लोरोप्लास्ट में लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो पूरी की जाती है। अब लाइट रिएक्शन की बात कर लेते हैं, तो लाइट रिएक्शन का जो साइट है, लाइट रिएक्शन का साइट मतलब बोतक कहाँ है, तो लाइट रिएक्शन का जो साइट है वो थैलाकोइड है, ठीक है। थैलाकोइड जैसे मैंने आपको दिखा दिया, यानी ये पोर्शन होता है, ये सिंगल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये थैलाकोइड कहते हैं, और यहीं पे क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है, यानी प्रकाश अभिक्रिया होती है। फिर हम बात करते हैं डार्क रिएक्शन की, जिसमें किसी प्रकार की लाइट की आपको जरूरत नहीं होती है, तो वो लाइट रिएक्शन आपके कहाँ हो रहा है, स्ट्रोमा में हो रहा है। तो स्ट्रोमा जो होता है वो डार्क रिएक्शन का साइट होता है, ठीक है। अब एक्चुअली में होता क्या है, लाइट रिएक्शन में एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। लाइट रिएक्शन में आप जनरल सा कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है, मैं एक आइडिया दे देती हूँ कि होता क्या है। लाइट रिएक्शन में क्या प्रोड्यूस होता है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच, ठीक है ना। इन दो फॉर्म्स में एनर्जी को क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है, बेटा मैं बता दूं, बहुत बार पूछा जाएगा आपको, एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है ये किसका है, एटीपी का फुल फॉर्म है। ये एक प्रकार की एनर्जी होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस की जाती है। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन में क्या किया जाता है, एटीपी और एनएडीपीएच बनाया जाता है। और वो आपको पता चल गया कि एटीपी एनएडीपीएच किसकी मदद से बनते हैं, विद द हेल्प ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल। तो एटीपी एनएडीपीएच एनर्जी बन जाती है, फिर इस एनर्जी का इस्तेमाल जो होता है वो डार्क रिएक्शन में किया जाता है। अब लाइट का इस्तेमाल तो बस यहीं तक चाहिए था, अब इसका लाइट का हमें कोई अब जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो बनाना था वो बन गया, एटीपी एनएडीपीएच बन गया, एनर्जीज हमें मिल गई। अब इस एनर्जी का इस्तेमाल जो है वो डार्क रिएक्शन में किया जाएगा, मतलब थैलाकोइड सब ये एनर्जी जो है स्ट्रोमा में आएंगी, और स्ट्रोमा में क्या करेंगी, CO2 को किसमें चेंज कर देंगी, कार्बोहाइड्रेट में। किसमें चेंज कर देंगी, कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट बनने के बाद इस कार्बोहाइड्रेट को इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च को हिंदी में कहते हैं मंड, मंड के रूप में क्या किया जाता है, लीव्स में स्टोर करके रख लिया जाता है। अब एक चीज बता दूं, जहां पे ये स्टार्च लीव के जिस पार्ट में ये स्टोर किए जाते हैं, उस पार्ट को हम लोग कहते हैं सोर्स। क्या कहते हैं, सोर्स। अब जैसे हम क्या करते हैं, तीन टाइम खाना खाते हैं और हमारी बॉडी को एनर्जी मिल जाती है, प्लांट्स में ऐसा नहीं होता। प्लांट्स में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, लीव्स होते हैं, स्टेम होता है, रूट्स होते हैं, और सभी पार्ट जो होते हैं वो अपने अकॉर्डिंगली काम करते हैं, उनको हर समय एक ही टाइम पे फूड की रिक्वायरमेंट या एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग टाइम पे रिक्वायरमेंट हो सकती है फूड की। तो जब जिस पार्ट में रिक्वायरमेंट होती है वहां पे फूड को पहुंचाया जाता है विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम टिश्यू। मैंने आपको बताया था कि वाटर की ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाइलम टिश्यू होता है और फूड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्लोएम टिश्यू अवेलेबल होता है। फ्लोएम टिश्यू, फ्लोएम उत्तक जो होता है वो क्या करता है, सोर्स से, यानी जहां पे मंड को, स्टार्च को स्टोर करके रखा गया वहां से लेगा और उसे कहां पहुंचाएगा, जहां पे रिक्वायरमेंट है उस भोजन की, यानी टारगेट तक पहुंचाएगा, उस साइट तक पहुंचाएगा, और उस टारगेट को हम लोग क्या कहते हैं, सिंक। तो सोर्स से सिंक तक फूड पहुंचाने का काम किसके द्वारा किया जाता है, फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है फोटोसिंथेसिस का, जो मैंने आपको आई होप क्लियर कर दिया होगा, आपको भी समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ये क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये था फोटोसिंथेसिस का ओवरऑल व्यू। नाउ फोटोसिंथेसिस क्यों जरूरी है, भाई फोटोसिंथेसिस का क्या काम है, आपको ये पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस एकमात्र ऐसा प्रोसेस होता है जो प्लांट्स में होता है, और प्लांट्स आपको पता है दे आर द मेन प्रोड्यूसर्स। यहाँ पे मेन प्रोड्यूसर्स यानी आप कह सकते हो कि यहाँ पे उत्पादक होते हैं जो हमें अवेलेबल होते हैं इन्हीं के जरिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे एनिमल्स हो, चाहे
ह्यूमन बींग्स हो चाहे दूसरे भी जो हिटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले एनिमल्स होते हैं, दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस अगर प्लांट्स में नहीं होगा तो प्लांट्स की ग्रोथ कैसे होगी, प्लांट्स कैसे बढ़ेंगे, कैसे वो भोजन लेंगे और फिर वो प्लांट्स हमें कहाँ से अवेलेबल होंगे। इसीलिए ये मेन सोर्स होता है प्लांट का, साथ ही साथ जो सनलाइट की एनर्जी होती है उसका कुछ पार्ट हमें प्लांट्स के जरिए क्या होता है मिल जाता है, ये भी आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगे। कुछ ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं क्योंकि पूरा का पूरा जो सनलाइट है वो प्लांट्स के थ्रू एब्जॉर्ब किया जा रहा है और जो डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं उनका कुछ सोलर एनर्जी का कुछ जो सनलाइट का जो कुछ एनर्जी होती है वो ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है ना। तो साथ ही साथ तीसरा जो इम्पोर्टेंट है फोटोसिंथेसिस का वो ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बैलेंस को क्या करता है, इन्वायरमेंट में हमारे वातावरण में मेंटेन रखता है। आपको ही पता है अगर ज्यादा CO2 हो गया तो भी हमारे लिए दिक्कत है, ऑक्सीजन कम हो गया तो भी हमारे लिए दिक्कत है। तो जनरली अगर CO2 जो अवेलेबल होता है उसको प्लांट यूज कर लेता है फोटोसिंथेसिस में और बदले में हमारे लिए क्या छोड़ देता है, ऑक्सीजन छोड़ देता है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है वो एनवायरनमेंट में बना रहता है। तो ये मेन जो था इनका इंपॉर्टेंस था फोटोसिंथेसिस का। तो ये पूरा था ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, आई होप आपको पूरी तरह अच्छे तरह से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे दैट इज हिटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। हिटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं, विषम पोषी पोषण, हिटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, विषम पोषी पोषण, विषम पोषी पोषण। बेटा जी मैंने आपको बताया था शुरू में जब हमने ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बीच में डिफरेंस देखा था, तो जो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, दे डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर देयर फूड। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, विषम पोषी पोषण एंड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ मोड इन विच organisms depend on others for their food। जीव अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, विषम पोषी पोषण। अब विषम पोषी पोषण जो है ये तीन कैटेगरी में बांटा गया है, इसको मेनली थ्री पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहला होता है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग मृत पोषी पोषण। फिर होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, परपोषी पोषण, या आप कह सकते हो परजीवी पोषण, ठीक है। और तीसरा होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसको हम लोग कहते हैं प्राणी सम पोषण, प्राणी सम पोषण। तीन पार्ट होते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, ऐसे पोषण, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, ऐसे पोषण जिसमें जो फूड है वो डेड एंड डिकेइंग मैटर से प्राप्त किया जाता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर से ऑब्टेन किया जाता है, ऐसे न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। डेड एंड डिकेइंग यानी सड़े गले पदार्थों से, सड़े गले पदार्थों से जब भोजन निकाला जाता है, लिया जाता है, ग्रहण किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, मृत पोषी पोषण यानी सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक क्या होता है, जब कोई जीव जो होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म में रहता है, सरवाइव करता है और उससे अपना क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है,
न्यूट्रिशन लेता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसमें जनरली जो ऑर्गेनिज्म जो होता है, ऑर्गेनिज्म विच लिव ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, ठीक है। तो इस ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, इस कॉल्ड पैरासाइट, हम लोग क्या कहेंगे, पैरासाइट कहेंगे। और जिस ऑर्गेनिज्म में वो रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो जो भी पैरासाइट है वो होस्ट सेल में रहता है और उस होस्ट सेल से क्या करता है, अपना न्यूट्रिशन लेता है। फॉर एग्जाम्पल आप अमरबेल कह सकते हैं, जिसे हम लोग कसकटा कहते हैं, ठीक है। वो ऐसा जो क्रीपिंग प्लांट्स होता है जो दूसरे किसी पेड़ के साथ क्या कर सकता है, अटैच हो जाता है और उससे अपना न्यूट्रिशन जो है वो लेता रहता है। इसी तरीके से आप लाइस कह सकते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी में कुछ अंदर इंटरनली हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में कुछ वॉर्म्स रहते हैं, वो भी क्या है, इंटरनली रहते हैं और वो भी क्या कहलाते हैं, पैरासाइट कहलाते हैं। इस आधार पे इसको भी फर्दर दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक्टो पैरासाइट एंड एंडो पैरासाइट। एक्टो पैरासाइट क्या होते हैं, जो शरीर के ऊपर रहकर उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं तो एक्टो कहलाते हैं। जैसे लाइस जुएं हो गई, आपके बहुत सारे लोगों के बालों में जुएं होती हैं, तो वो जुएं क्या कहलाती है, एक्टो पैरासाइट्स है। वो आपके बालों में रहती है, आपसे न्यूट्रिशन लेती रहती है और आपको धीरे धीरे नुकसान भी पहुंचाती है। इसी तरीके से एंडो पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो इंटरनली रहते हैं, हमारे शरीर के अंदर रहते हैं और अंदर रहते हुए अपनी ग्रोथ भी करते हैं और हमसे न्यूट्रिशन भी लेते रहते हैं और समय के साथ बाद में हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं। जैसे कि प्लाज्मोडियम हो गया, जो मलेरिया कॉज करता है, ये भी आपके बॉडी के अंदर आरबीसी के अंदर सर्वाइव करता है और अपनी पॉपुलेशन धीरे धीरे क्या करता रहता है, बढ़ाता रहता है। इसी तरीके से टेप वॉर्म्स हो गए, कुछ वॉर्म्स राउंड वॉर्म्स भी होते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में क्या करते हैं, रहते हैं, सर्वाइव करते हैं और उनसे हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन कंटिन्यूअस वो क्या करते रहते हैं, लेते रहते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें सॉलिड पार्ट लिया जाता है, सॉलिड पीसीज को इनटेक किया जाता है, फिर उसको एब्जॉर्ब किया जाता, डाइजेस्ट किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, फिर उससे न्यूट्रिशन ली जाती है, ठीक है। यानी पहले आप कोई भी पदार्थ, ठोस पदार्थ आप ग्रहण करेंगे, फिर उसका पाचन होगा, फिर उससे अवशोषण होगा, उसका स्वांगीकरण होगा, फिर उससे आपको क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, न्यूट्रिशन मिलेगा। तो इस टाइप में जो इसमें बहुत सारे बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। और होलोजोइक न्यूट्रिशन मेनली आपके ह्यूमंस आ जाते हैं, अदर एनिमल्स आ जाते हैं जो इस न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हो मोड इन विच सॉलिड पीसीज ऑफ फूड इज टेकन एंड देन डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब्ड इट, ठीक है ना। इसको आप लेते हैं, सॉलिड पीस लेते हैं फूड के, उसको डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उसे न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। तो ये थ्री टाइप के हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, साइटोट्रॉपिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ये ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसको भी तीन पार्ट में बांटा गया है। वो तीन पार्ट कौन कौन सा है देख लेते हैं। सबसे पहला है हर्बीवोर, दूसरा होता है कार्निवोर और तीसरा होता है ओमनीवोर। तो बेटे ये नाम हमने छोटी क्लास में सुने होंगे, हर्बीवोर्स क्या होते हैं, कार्निवोर्स क्या होते हैं, ओमनीवोर्स क्या होते हैं। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर ये ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द वे दे टेक फूड, ठीक है ना। जैसे वो लेते हैं खाना, उसके आधार पर किया जाता है। तो हर्बीवोर्स, जिसको हिंदी में शाकाहारी कहते हैं, ये ऐसे जीव होते हैं जो केवल पौधों से ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जो केवल प्लांट्स खाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स यानी शाकाहारी कहते हैं। और शाकाहारी में बेसिकली आपको ही पता है, जैसे कि एलिफेंट हो गया, रैबिट हो गया, डियर हो गया, ये सारे ऑर्गेनिजम्स किसमें आ जाते हैं, आपके
हर्बीवोर्स में आ जाते हैं। सेकेंड है कार्निवोर्स की बात करेंगे तो कार्निवोर्स ऑर्गेनिजम्स को मांसाहारी कहा जाता है, और मांसाहारी में जैसे कि टाइगर हो गया, लॉयन हो गया, ठीक है ना, जो जंगल में वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो मांसाहारी होते हैं, उनको हम लोग कार्निवोर्स की कैटेगरी में रखते हैं। फिर तीसरा आता है ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो दोनों ही खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं, ओमनीवोर्स कहलाते हैं। इसमें जनरली कैट, डॉग, ह्यूमंस ये सारे आ जाते हैं, हम इंसान भी आ जाते हैं। तो ये था हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब धीरे धीरे हम होलोजोइक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, क्योंकि लाइफ प्रोसेस में आगे जो है वो पूरा ह्यूमन सिस्टम के बारे में है, कैसे डाइजेशन हो रहा है, कैसे ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन ये चीज़ हो रही है, तो आगे के लेक्चर्स में हम धीरे धीरे इसको क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अभी तक आपको समझ में आया है तो, अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं, और मैं श्योरली आपके डाउट्स को जरूर क्लियर करूंगी। तो आज के लिए थैंक यू।